एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तापी नदी के किनारे बसा पुरातन नगर बुरहानपुर है। कभी मराठों के तो कभी मुगलों के आधिपत्य में रहा यह शहर अनेक सांस्कृतिक धरोहरों का केंद्र रहा है। बोहरा समाज की भव्य आलिशान मस्जिद संग अनेक धार्मिक धरोहरें व भव्य प्रासाद यहाँ की शानो शौकत है। कहा जाता है मुगल सम्राज्ञी मुमताज महल का इंतकाल यहीं हुआ था और आगरे में ताजमहल की निर्मिति होने तक यहाँ की पावन माटी में वे चिर निद्रा मग्न यहीं रही। तापी नदी की उपजाऊ माटी उत्तम फसलों के लिए योग्य तो है ही, साथ ही यहाँ पर केलों की भव्य खेती की जाती है। प्राचीन बात मुमताज महल और शाहजहां की निकली तो आगरे का ताजमहल और लाल किला जहन में आए बिना नहीं रहता। अर्वाचीन समय में बुरहानपुर निवासी माइक्रोविजन एकेडमी के संचालक आनंद चौकसे ने अपनी सुवित पत्नी के स्नेह से प्रेरित होकर लाखों करोड़ों के खर्च से हूबहू ताजमहल की भव्य प्रतिकृति बनवा दी और उसे अपनी सुवित पत्नी को भेंट स्वरूप दिया। इस भवन का निर्माण राजस्थानी कारीगरों ने करते हुए एक बार फिर अपनी अद्भुत निर्माण शैली का लोहा मनवा दिया। इस भवन में 30 विदेशी छात्रों संग अनेक भारतीय छात्र विद्यार्जन करते हैं। सब दूर इस भवन के निर्माण की चर्चा होने पर सिटी न्यूज की कैमरा टीम ने वहां का चित्रांकन किया। वह हमारे संवाददाता शकील अहमद ने आप ही के लिए खास तौर पर ये रिपोर्ट बनाकर भेजा है। जिसे मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर माना जाता है, यहाँ पर मुगल और मराठा राजाओं ने अपनी अलग अलग हुकूमत चलाकर अपने राजपाट को जीवंत रखा था, जिसके कुछ सबूत आज भी बुरहानपुर शहर के इतिहास में देखे जा सकते हैं। बुरहानपुर जो धारणी से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर मुगल और मराठा राजाओं के राजपाट का सबूत देती है। इसी तरह शहंशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की दास्तां भी बुरहानपुर शहर से शुरू होकर आगरा के ताजमहल में जाकर समाप्त हो गई। मुमताज जो अपनी 14वीं संतान को जन्म देते मौत के आगोश में चले गई, तब मुमताज ने शाहजहां से एक वादा लिया था कि वह अपनी मुमताज की याद में एक ऐसा धरोहर का निर्माण करेगा जो दुनिया के लिए एक अजूबा साबित हो सके। और शाहजहां ने ऐसा ही एक आगरा में ताजमहल का निर्माण किया जो एक अजूबा माना जाता है। उसी तर्ज पर बुरहानपुर शहर में इतिहास को जीवंत रखने के लिए माइक्रोविजन एकेडमी के संचालक आनंद चौकसे ने एक संकल्पना की और अपनी खुद की भूमि पर हूबहू ताजमहल का निर्माण कर डाला। इस ताजमहल को देखने के बाद पर्यटक या फिर आप आगरा के ताजमहल को भी भूल जाएंगे। हम इस वक्त ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में मौजूद है और हम उस स्थान पर मौजूद है जहाँ पर हूबहू एक ताजमहल का निर्माण किया गया है। और ये ताजमहल का निर्माण किया गया है यहाँ पर माइक्रोविजन जो इंग्लिश कॉन्वेंट है उसके जो संचालक है हमारे आनंद जी चौकसे, उन्होंने अब उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने ताजमहल का निर्माण किस उद्देश्य को लेकर किया है। देखिए, जो माइक्रोविजन एकेडमी में हम खड़े हैं, इसमें करीब
3000 बच्चे पढ़ते हैं और 1700 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो वो बच्चे देश के विभिन्न हिस्सों के हैं, 40-41 बच्चे विदेश के हैं। तो पेरेंट्स अक्सर आके पूछते थे कि बुरहानपुर क्यों फेमस है। तो बुरहानपुर के फेमस होने की तो बहुत वजह है, लेकिन सबसे मेन था कि मुमताज़ की 14वें बच्चे को जन्म देते समय मौत बुरहानपुर में हुई थी और उनको 6 महीने तक यहीं रखा गया था एक कब्र में केमिकल में लपेट कर, और बाद में यहाँ से निकाल कर आगरा ले गए थे। तो चूँकि मुमताज़ के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन या दूसरे किसी कारण से ताप्ती नदी के किनारे शाहजहाँ ताजमहल नहीं बना पाए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने कैंपस में अपने घर को ताजमहल की शक्ल में बनाएं। बुरहानपुर शहर जहां पर शाहजहां अपनी बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण करने वाला था, लेकिन यहां की भौगोलिक स्थिति के कारण ताजमहल का निर्माण आगरा में किया गया, जो देश और विदेश के नागरिकों के लिए एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। उसी तर्ज पर आनंद चौकस ने अपनी टीम को साथ में लेकर कुछ आर्किटेक्ट की सलाह मशवरे से ताजमहल का निर्माण किया, जो बुरहानपुर शहर के इतिहास को 4 चांद लगा रहा है। देखिए, जो आप ये ताजमहल की बात कर रहे हैं कि ये आज तक क्यों नहीं बना, तो ये सवाल तो हम लोगों के लिए भी है कि आज तक इस ताजमहल को किसी ने बनाने का सोचा क्यों नहीं। बेसिकली ऐसा कहा जाता है इस्लामिक कल्चर में कि ताजमहल एक मकबरा है, और जो हम मकबरे को समझते हैं, मकबरा ज़मीन पर बनता है, ऊपर नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से ताजमहल एक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है। तो जब ये ताजमहल बनाने के लिए जब बातचीत हुई, आनंद सर ने हम लोगों को जब प्रपोज़ किया कि ताजमहल बनाना है, तो मुझे लगा कि यार ताजमहल शायद नहीं बन पाए। तो उन्होंने कहा कि यार जो जिन लोगों ने ओरिजिनली ताजमहल बनाया वो भी तो इंसान थे, तो आप क्यों नहीं बना सकते। हम लोगों को एक मोटिवेशन मिला और हम लोगों ने फिर इस ताजमहल का डिज़ाइन शुरू किया। हम लोग आगरा गए, हमने कुछ फिज़िकल चेक किए, हम लोगों ने इसका इंटरनेट के थ्रू इमेजेस निकाली, 360 डिग्री व्यू लिए। लगभग 1 महीने का समय लगा। 1 महीने के बाद में हम लोगों की टीम ने ताजमहल का एक बेसिक सेक्शन प्लान तैयार कर लिया था। चूँकि ये अंदर एक मकान है, तो मकान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक हॉल है और 4 बेडरूम से एक मेडिटेशन रूम है, किचन है। इस तरीके से एक परिवार को रहने को जो सुविधा लगती है, वो सभी सुविधा इस मकान के अंदर हम लोगों ने निकाली। अंदर से मकान होकर बाहर से इसे हमें ताजमहल का लुक देना था, तो हमने उस चीज़ को उसमें कन्वर्ट किया, प्लान को ताजमहल के साथ में हमने कन्वर्ट किया। अब ये जो आप ताजमहल का रिप्लिका देख रहे हैं, ये मान कर चले ओरिजिनल ताजमहल से 1/3 है। जैसे इसका जो बिल्डिंग का जो हाइट है ये, और जो इसका बेस है, जो मीनार से मीनार डायमेंशन है, वो 90 फीट बाय 90 फीट के हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 60 फीट का है, इसका हाइट 30 फीट का, और इसका डोम 29 फीट के लगभग बना हुआ है। इसमें लिए जो चैलेंजिंग जॉब था हम लोगों के लिए, वो था कि एक डोम, वो चूँकि मकान हमें बनाना है, बीच में स्टेयर्स से बिना कॉलम के डिज़ाइन करना था, तो हमने स्ट्रक्चर में कैंटिलीवर डिज़ाइन करके इस डोम को उसके ऊपर हम लोगों ने क्रिएट किया। डोम के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि डोम जो है वो नहीं होना चाहिए, तो डोम के पीछे भी एक साइंस है। जैसे किसी मस्जिद में आप जाए तो वहाँ डोम बना है, अगर किबला नहीं है तो मस्जिद नहीं कहलाएंगे, मगर डोम बना है। किसी मंदिर में आप जाए तो वहाँ डोम बना है मगर मूर्ति नहीं है, तो वो मंदिर नहीं कहलाएगा। उसी तरह से डोम का एक स्ट्रक्चर है। डोम के अंदर साइंस ये है कि जब आप कुछ मेडिटेट करते हैं तो जो वेव्स है वो रोटेट करके आपके पास वापस आती है, जिससे आपको फीलिंग्स जनरेट होती हैं और आपकी प्रार्थना कबूल होती है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। तो इसे हमने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया, और मुझे लगता है कि हम लगभग 90 से 95% उसके पास पहुँच चुके हैं। ऐतिहासिक धरोहर कहा जाने वाला मध्य प्रदेश का ये बुरहानपुर शहर, जहाँ पर आगरा में ताजमहल के निर्माण करने वाले शहंशाह शाहजहाँ की दास्तान भी दफन है। मुमताज़ बेगम ने भी बुरहानपुर शहर में ही अपना दम तोड़ा था और शाहजहाँ को मरते वक्त 4 वादे कर किए थे, जिसमें एक वादा ये भी था कि वो मोहब्बत की एक निशानी का निर्माण करेंगे जो सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने। और शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कर डाला। ठीक उसी तर्ज पर बुरहानपुर शहर में आनंद जी चौक से जिन्होंने इस ताजमहल का निर्माण करके इस ताजमहल को अपनी धर्मपत्नी को भेंट दिया है। बुरहानपुर शहर जहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर दफन होते दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ताजमहल ने फिर बुरहानपुर के इतिहास को जिंदा करके रख दिया। मैं शकील अहमद, सिटी न्यूज़, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर।